हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड की। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एनएससी का कोड ये है, बीएससी का टिकर ये है। तो हम यहाँ पर आज की डेट में इसके आए हैं रिजल्ट, इसके रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। क्या हमने इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड हमने पहले कभी बात करी है, उससे रिलेटेड भी हम जानेंगे, और भी बहुत सारी चीजें इस कंपनी से रिलेटेड जानेंगे, इसके फंडामेंटल, इसके चार्ट सबसे रिलेटेड जानेंगे। बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पे फोकस करना है। जितना चीजों को सीखने पे फोकस करोगे उतना आपका पैसा बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए आप क्या कर सकते हो, आपको वीडियोज देखनी है, जितनी वीडियोस देखोगे आपका ज्ञान का वर्धन होता हुआ नजर आएगा। साथ में आप अच्छे से सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि स्टॉक मार्केट आपके लिए काम करती हुई नजर आए, तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, क्यों बेचना है, कौन से शेयर भागते हैं, कौन सा शेयर गिरते हैं, क्यों भागते हैं, क्यों गिरते हैं, ये सारे आंसर आपको इस कोर्स में मिलते हुए नजर आएंगे। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग स्ट्रेटजी, स्टॉक मार्केट ऑनलाइन नोट्स सब कुछ दिया जाता है। 8860540501, 8161261037, दो नंबरों को सेव कर लीजिए और आप हमारे इस कोर्स को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में काम करना है तो भी आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ काम भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या हमने इससे पहले इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करी है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने में डाला है, तो यहाँ पर देखिए 1 साल पहले शेयर प्राइस 68, टारगेट 150। तो हमने यहाँ पर 68 रुपीज पर ये दिया था, जब 68 रुपीज पर ये दिया था तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 68 से ये शेयर लगभग 845 रुपए, 840 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तो 68 का मतलब ये है 68 का लेवल, और 1 साल के अंदर अंदर आपके पैसे कितने बन गए, आपके 1100% तक के रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आए। ठीक है, एक चीज ही हो गई। फिर उसके बाद क्या हमने दोबारा दिया था, तो तभी जब हमने यहाँ पर दिया था उसके बाद टारगेट हमारा हिट हो गया था। ठीक है, हम 108 रुपए पे शेयर आया, तो मैंने यहाँ पर 300 के टारगेट दिए थे। यहाँ पर देखिए फिर वो 300 क्या फिर इसके बाद और ऊपर जाता हुआ नजर आया। क्या उसके बाद भी हमने यहाँ पर बातें करी, तो हमने काफी बार इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड यहाँ पर बातें करी है। यहाँ देखिए टारगेट 100 रुपीज है ना, तो यहाँ देखिए 3-4 बार इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करी है। और जो हमारा ग्रुप है, जहाँ पर हमारे साथ लोग कनेक्टेड है, वहां पर हमने इस शेयर को 45 रुपीज से दिया था, और 45 रुपीज से आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर शेयर में होती हुई नजर आई। तो ये तो बात हो गई इससे रिलेटेड। अब क्या दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, जानेंगे इस कंपनी से रिलेटेड। तो बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करनी है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। मेरे या किसी और के कहने पर शेयर को नहीं लेना है, खुद की स्टडी करिए, आपको समझ में आएगा। कंपनी करती क्या है ये देखिए, इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पावर फर्नेस रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करती हुई नजर आती है। इनके यहाँ पर वेबसाइट पर जाओगे तो आपको पता चलेगा, ये जितने भी ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, ठीक है, आप अपने गली चौराहे पर यहाँ पर इस तरीके के ट्रांसफॉर्मर देख सकते हैं, स्विच गियर्स देख सकते हैं, है ना। तो इस पर्टिकुलर ये कंपनी बहुत सारी की सारी चीजें बनाती हुई नजर आती है। यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है ना, जो ट्रांसफॉर्मर के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर जो ये पावर सप्लाई करने के काम करती है, वो ये कंपनी करती हुई यहाँ पर नजर आती है। यहाँ पर इस कंपनी से रिलेटेड जानोगे तो आपको पता चलेगा अभी भी ये कंपनी स्मॉल कैप है। जब हमने बात करी थी ना शेयर से रिलेटेड सबसे पहले, तब ये कुछ हंड्रेड ऑफ करोड़ रुपीज की कंपनी थी, अभी यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। तो चीजें तो बड़ी है, भागी भी है, अच्छे खासे रिटर्न बने हैं। क्या ये स्टिल ये क्या एंड हो चुका है, तो उससे रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले स्मॉल कैप है, 10,177 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। जब मैं यहाँ पर बात करूँ 10,177 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, तो याद रखिए स्मॉल कैप, स्मॉल कैप मतलब दो चीज। सबसे पहले तो हमारी एक्सपर्टीज इसमें, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। दूसरी बात करें हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी की, तो याद रखिये जब स्मॉल कैप की बात की जा रही है, तो इस चीज को याद रखिए कि रिस्क इसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्मॉल कैप का मतलब है कि रिस्क भी ज्यादा और पैसे भी ज्यादा, है ना। जब पैसे आपके बनेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे, जब गिरे और जब नहीं बनेंगे तो याद रखिए सालों तक ये शेयर इसी तरीके चलता है कि यहाँ पर 2008 में ये शेयर 70 रुपए पे था, और 70 रुपए से गिर गिर के ये शेयर लगभग 10 रुपए के आसपास आया, और एक ही रेंज में 8, 10, 20, 30 रुपए की रेंज में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2020 में तो ये 5 रुपए तक आया था, ठीक है। तो इस रेंज में यहाँ पर ये शेयर चलता हुआ नजर आया है,
तो मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो जब चीजें चलती नहीं है तो सालों तक नहीं चलती, 2008 से 2020, तो मतलब 12 साल, 12 साल तक इस पर्टिकुलर शेयर ने, बल्कि 13 साल इस पर्टिकुलर शेयर ने आपको क्या दिया, आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है, और बल्कि आपसे लिए ही, आपको परेशान किया, और जब पैसे बनने शुरू हुए तब एक साथ ही यहाँ पर पैसे भी बन गए। तो इस चीज को याद रखना है, सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है, जब ये करना सीख जाओगे तो पैसे बनेंगे, और ये हम अपने कोर्स में यहाँ पर आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क साथ में जुड़ा हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। स्टॉक P 83 का, इंडस्ट्री का P 51 का, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 51 का, यहाँ पर पी है, 83 का इस स्टॉक का पी है, तो क्या ज्यादा पी है? बिल्कुल। तो यहाँ पर थोड़ा सा शेयर महंगा नजर आता है, बट मैं जैसे कि कहता हूँ कि पीई, आरओसी, आरओई ये केवल मिथ है मार्केट के, ठीक है ना, इनके बेसिस पर पैसे नहीं बनेंगे। अगर आप यहाँ पर आरओसी, आरओई को देखोगे तो यहाँ पर कोई पैसे इस पर्टिकुलर शेयर को खरीदता भी नहीं, और अभी तो यहाँ पर 14 और 9 के आसपास हो गया है, बट मान सपोज दैट जब हमने यहाँ पर 45 रुपये बताया था, जब हमने 65 रुपये बताया था, तब इसका आरओसी, आरओई कितना हुआ होगा, तो इसका आरओसी, आरओई तो और कम हुआ होगा। तो इस चीज को याद रखिए, बड़े बड़े ज्ञानवर्धन लोग आपको घूमते हुए नजर आएंगे, ठीक है, बड़े से चश्मे लगाते हुए और बात करते हुए कि ये हो गया, वो हो गया, हमने ये नहीं खरीदा, हमने वो नहीं खरीदा, बट इससे आपको दूर रहना है, आपको अपनी स्टडी करनी है, उन्हें अपने तरीके से पैसे बनाने दीजिए, आप अपने तरीके से पैसे बनाइए, जो आपको पसंद आ रहा है वो यहाँ पर लीजिए, गट फीलिंग के साथ लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से लीजिए, तो आप यहाँ पर उनसे भी बेटर बन सकते हो। मैं देखता हूँ टीवी पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, बट आपको उनके पीछे नहीं जाना है, आपको अपने ज्ञान को खुद रखना है, आपको अपने स्टॉक्स पर ध्यान होना चाहिए, आपको अपने शेयर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो बाई किया है क्या अच्छा बाई किया है कि नहीं। तो देखिए जब रिकवरी आती है ना, तो उसी तरीके से रिकवरी भी आती है। यहाँ पर देखिए कल की वीडियो जो हमने बनाई थी, तो हमने बात भी करी थी, क्या बात करी थी, कि अभी गिरावट हो रही है, मैंने आपको बताए थे पॉइंट कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर गिरावट जो हो रही है हो चुकी है, अब यहाँ से बाउंस बैक होगा, और यहाँ पर देखिए बाउंस बैक हुआ भी नजर भी आया, और अच्छे खासे पैसे बनते हुए भी नजर आए। तो चीजों को आपको ध्यान से रखना है, अपने आपको सही से यहाँ पर प्रिपेयर करना है। यहाँ पर देखिए 51 का पी है, 83 का है, महंगा है, और उस पी के बेस पे काम नहीं करना, बट पी को इग्नोर भी नहीं करना, मैं हमेशा कहता हूँ। सेल्स ग्रोथ अच्छी खासी है, यहाँ पर प्रॉफिट का यहाँ पर देखोगे मार्जिन, वो भी यहाँ पर अच्छा खासा दिखाई देता है, डिविडेंड कंपनी ना के बराबर देती है, ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे और चीजें, तो कंपनी के पास लगभग 22% के आसपास का डेट भी है, 846 का इसका 52 वीक आया था, 672 पर ये शेयर चल रहा है, लगभग 5% का क्या है अपर सकते लगता हुआ नजर आ रहा है। बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अभी इस सितंबर के रिजल्ट आए हैं, जहाँ पर आप देखोगे ईयरली बेस पे जो कंपनी की सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आई है, क्वार्टरली बेस पे सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है, कंपनी का प्रॉफिट ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर नेट प्रॉफिट बढ़ा है, एज वेल एज यहाँ पर आप देखोगे तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी दिखाई देता है, यहाँ पर 46 करोड़ रुपीज के आसपास का, और मार्जिन भी देखोगे तो हाईएस्ट एवर मार्जिन है, तो कंपनी क्या है अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब काफी लोग कहेंगे 83 का पी है, ठीक है, इतना ज्यादा, और कंपनी 83 का पी है ऑलरेडी, इतना भाग चुका है, क्या और नहीं भाग, और भाग सकता है? तो इसके चार्ट पे जब चलेंगे ना, तो मैं आपको इसकी असलियत भी बताऊंगा कि कहाँ तक भाग सकता है, वो भी आप यहाँ पर देखिएगा फिर, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो कंपनी के रिजल्ट एकदम बेहतरीन आते हुए दिखाई दिए, ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई नजर आई है। ईयरली बेस पे हम बात करें तो ईयरली बेस पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के रिजल्ट कहाँ पर, 500 करोड़ रुपए का कंपनी यहाँ पर सेल्स कर रही थी, अभी लगभग 5500 करोड़ तक TTM बेसिस पे आ गई है। नेट प्रॉफिट भी देखोगे 5 करोड़ से 124 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच गई है, इसे ही टर्न अराउंड कहते हैं, और इस टर्न अराउंड के फेज में जब पैसे लगते हैं ना सही टाइम पे, तो पैसे बनते हैं, और जब टर्न अराउंड जब नीचे आता है, क्योंकि लगातार कोई चीज इस तरीके से नहीं चलती, जब कोई चीज इस तरीके से ऊपर जाती है ना, तो उसका नीचे आना भी उसी तरीके से होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, जब आप सीख लेंगे, देख लेंगे, तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाएंगे, और इसी ये कोर्स इसी चीज से रिलेटेड है, आपको सिखाया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल बताया जाएगा कि किस चीज से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखोगे कंपनी के रिजर्व्स 1000 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है, तो आने वाले टाइम में आपको बोनस भी मिल सकता है, ठीक है। बोरोइंग है कंपनी के पास 244 करोड़ की, बट वो घटती हुई नजर आ रही है, अच्छी बात है। 21 करोड़ पर वर्किंग प्रोग्रेस में 308 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, एज वेल एज कैश की बात करें 86 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है, पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं यहाँ पर। और चीजों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा 66 करोड़
परसेंट के आसपास का प्रमोटर की होल्डिंग है, पर प्रमोटर ने लगातार बेचा है। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई चीज आपकी 5 रुपए से वहां तक पहुंच जाए, 800 रुपए तक पहुंच जाए, तो चीजें बेची जाती है, ठीक है, प्रॉफिट कमाया जाता है। तो इन्होंने भी यहाँ पर कैश इन किया है, बट क्या सब कुछ बेच दिया है? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा बहुत बेचते हुए नजर आए हैं, अभी भी बने हुए कंपनी में। एफआईएस की बात करें, एफआईएस ने यहाँ पर देखिए अच्छी खासी बाइंग करी है लास्ट ईयर, और उसी टाइम अपने इस पर्टिकुलर शेयर को भी यहाँ पर इंडिकेट किया था, कहाँ पर ये 0% हुआ करते थे, कहाँ पर आज ये 9% है। एज वेल एज डीआईएस की होल्डिंग देखोगे, यहाँ 0%, यहाँ पर 7%, ठीक है ना। तो कंपनी क्या कर रही है, अच्छे खासा यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। बैंक सेलिंग यहाँ पर देख सकते हैं, 1 जुलाई को जानकी आशीष किरी ने लगभग 1,40,000 शेयर यहाँ पर बाई करते हुए नजर आए, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीजों से लेकिन यहाँ पर आप जान सकते हैं। तो क्या है पर्टिकुलर कंपनी, कंपनी अच्छा कर रही है, ठीक है, कंपनी का रिजल्ट एकदम अच्छा आया है। अब चार्ट क्या कह रहे हो उससे बातें करेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपली चीजों को देखना है, सीखना है, समझना है, और नंबरों को नोट कर लीजिए, कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हो, कोर्स की जानकारी ले सकते हो, साथ में काम कर सकते हो मिलकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, शेयर ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न दे चुका है, ठीक है ना। जहाँ पर हमने बताया था 45 रुपीज के लेवल से, वहां से चीजें अच्छे खासे यहाँ पर भाग चुकी है। आपको भी 100 रुपए के लेवल पे, 108 के लेवल पे, 65-68 के लेवल पे बताया था, वहां से भी चीजें अच्छी भाग चुकी है। तो अभी क्या देखिए, मार्केट गिरने पर इसका असर थोड़ा बहुत ना के बराबर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी शेयर 841 यहाँ पर आ चुका था, ठीक है ना। चीजें यहाँ पर नीचे आ चुकी है। आज इस शेयर में यहाँ पर अपर सर्किट भी लगता हुआ नजर आया, तो लगभग 28-30%, तो अच्छी चीज है, इतना ही गिरती है, ज्यादा गिरती नहीं है, 20-30% की गिरावट वहां पर होती है। तो अभी क्या, अभी मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन एरिया में है, ये जो पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर नजर आता है, ठीक है, ये कंसोलिडेशन का एरिया नजर आता है, जहां पर ऊपर की रेंज ये वाली है और नीचे की रेंज ये वाली है। अब क्या यहाँ पर नजर आ रहा है उससे रिलेटेड मैं एक बार आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर शेयर में बात करें, यहाँ पर कब बाइंग बनेगी, कब सेलिंग बनेगी, क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर नहीं लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को उसकी स्टडी करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कर सकते हैं। जैसे ये शेयर यहाँ पर 688 का लेवल क्रॉस करे, तो यहाँ पर लगभग 6-7 रुपए, 8 रुपए की रिस्क लीजिएगा, 1% के आसपास की रिस्क बनेगी। और जैसे ये शेयर यहाँ से भागना शुरू होगा, तो सबसे पहले 6753, ओके, इसके बाद 770, और यहाँ पर 841 रुपए तक, 840 रुपए तक ये जा सकता है। और वंस ये 840, 845 को क्रॉस करेगा, तो शेयर शायद ये 1,000 रुपए तक भी जा सकता है। तो अच्छी खासी तेजी अभी भी इस पर्टिकुलर काउंटर में होती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। और मुझे लगता है कि कंपनी यहाँ पर शायद 662 रुपए पे चल रहा है, 1,000 से 1,500 रुपए तक भी अगर ये शेयर पहुंच जाए आने वाले 6 महीने में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि चीजें जब चलती है ना तो इसी तरीके से चलती है। बस ये अपनी रेंज से निकले, जैसी रेंज से निकलेगा तो आप इसके अपर ऊपर के लेवल भी देखेंगे। तो रिस्क की बात की जाए तो 1% का रिस्क नजर आता है, और अपसाइड की बात की जाए तो अपसाइड यहाँ पर अच्छी खासी नजर आती है। और 1% का रिस्क कब है, जब यहाँ पर 690 पे आप शेयर को लेंगे, तो लगभग 7 रुपए 8 रुपए का यहाँ पर क्या होगा, एक स्टॉप लॉस होगा। तो उसी तरीके से काम करना है, रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम करना है। जब आप इस तरीकों को सीख जाएंगे तो यहाँ पर अच्छा पैसा बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें, और नंबरों को नोट करके काम कर सकते हो, साथ में पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। 1 जनवरी 2024 से 25 से इस कोर्स की कीमत 50,000 हो जाएगी, अभी यहाँ पर आपकी कीमत 25,000 रुपये, तो हाफ डिस्काउंट पे ही आपको ये स्टॉक मार्केट का कोर्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।